अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मेमन, पंथरी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पेंजू जनरल किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से उसे अपडेट करते हैं। चलिए पहले हम खोलेंगे पेंजू, इसकी पेंजू.com। मेरा इस तरफ खुला हुआ होगा, पहले हम जाएंगे पेंजू क्रिएट योर फ्री जर्नल। हम एक फ्री जर्नल क्रिएट करेंगे। पेंजू क्या है और किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, वो मैंने सारा कुछ लिख दिया है 13el.engineers.com पर। आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पूरा नाम, लास्ट नेम, ईमेल और सब कुछ आप ऐसे लिख के सबमिट करेंगे, एग्री एंड सबमिट। मैं तो पहले से रजिस्टर हूँ। फिर ये खुल जाएगा पेंजू का मेन पेज जर्नल। इसमें आपको इमरान जर्नल, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। न्यू जर्नल पर क्लिक नहीं करना। न्यू जर्नल पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा। ये प्रो वर्जन है इसका, प्रोफेशनल। तो ये आपका फ्री, इस पर क्लिक करते ही आपका मेन पेज खुलाएगा जिस पर आपको एंट्री करनी है। एंटर द टाइटल, इस पर आपको टाइटल लिखना है, जैसे कोई भी जो आपका सब्जेक्ट हो, मिसाल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद अगर ये आप यहाँ पे डेट लिखना चाहें, क्योंकि इसकी बिल्ट इन डेट होती है यहाँ पे लिखी हुई, आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही प्रो का है ये भी। तो अगर आप यहाँ पे डेट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट जो आपको काम दिया गया हो या आप जो करना चाहें खुद अपनी मर्ज़ी से, वो आप कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का है कि 7 C's है ये। और वो हैं जैसे कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस या क्लियरिटी कार्टेसी कंसिडरेशन, ऐसे 7 हैं। उसके बाद आप इसे टाइटल भी दे सकते हैं, या जैसे आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके, या फिर इसकी पूरी फॉर्मेट है यहाँ पे, ये बार खुल गया, आप इसे या इटैलिक करें या अंडरलाइन करें, तीनों कर दें। आप इसकी राइटिंग बढ़ा भी सकते हैं, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कॉमिक सेंस लगा हुआ है, आप ये कर दें, लेकिन ये प्रोम है, चलो ठीक है, आप कोई अब यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स हैं, उसके बाद ये अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट। और बड़ी बात ये है कि आप ये भी कर सकते हैं, ज़रा कलर इसका सेम हो गया, कोई बात नहीं, चलो जी ये हो गया। स्पेलिंग चेक, और ये तो ये आप सब फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं वापस, सही है। उसके बाद आपको जो भी आपने लिख लिया, आपका फाइनल जो काम होता है, जो किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता तो बाद में करूँगा, वहाँ पे वो होता है, यहाँ पे न्यू एंट्री है, यहाँ पे ये सेव कर सकते हैं आप। जैसे मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। इसमें वैसे बिल्ट इन है ऑप्शन के, ये खुद ब खुद सेव कर देता है, ये प्रिंट भी होता है, यहाँ पे आप कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, अपलोड करने का मीटर से या flickr.com पर सेव उठा लें। और ये शेयर, मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरह से शेयर करना है। यहाँ पे आप लॉग एंट्री कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं उसके, दूसरा पासवर्ड, एक तो आपका अपना पासवर्ड होता है अकाउंट का, दूसरा पासवर्ड लगा सकते हैं। ये फॉर्मेट जो आपको सिखा दिया, टैग, ये कस्टमाइज, ये तो उसका है GoPro का, ये टैग भी, ये वर्जन का भी है। तो फाइनल काम है शेयर का, यहाँ पे आप शेयर पर क्लिक करके यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे जिसे आपको सेंड करना है। हमारे पास तो काम दिया गया था। और उसके बाद अगर आपको किसी टीचर के सेंड करना है तो ये एक जर्नल है, तो आप लिखेंगे इसे पोर्ट फोलियो बाय, अपना नाम लिखें या रोल नंबर लिखें,
और फिर इमरान मेमन या एनोनिमस अपने नाम से या अननोन नाम से आप शेयर कर सकते हैं। क्लिक करेंगे शेयर पर तो उसके पास चला जाएगा। यही है जो बेसिक सिखाने का, बाकी तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। 13l.engineers.com पर मैंने लिख दिया है सब कुछ। ये मैंने लास्ट लिखा था, जैसे आप मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की है इसकी, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमारा पेंजू अकाउंट जनरल बनाने का तरीका ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।